नवरात्रि बोले तो नौरात्रि, जो अपने पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। इन नौ दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों को पूजा जाता है। पूरे भारतवर्ष में ये मनाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। सबके परंपराएं, रीति रिवाज, तरीके अलग हैं, लेकिन मायने एक ही हैं। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम आर्यन सहाय है और मैं प्रयागराज में हूँ। आजकल प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो इलाहाबाद में ही हूँ, प्रयागराज। जैसे आजकल दुर्गा पूजा चल रही है तो प्रयागराज में बहुत अच्छा फंक्शन होता है यहाँ पे, मतलब पंडाल वगैरह बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। बचपन में मैंने बहुत बार देखे हैं, बट इस बार पंडाल जाऊँगा तो रिकॉर्ड करूँ। और चलिए आपको दिखाते हैं और हम भी देखते हैं कि क्या क्या प्रयागराज में है। और अच्छा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद भी वीडियोस आएंगी तो आप जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कि अभी निकलते निकलते थोड़ा टाइम हो गया है, 7:30 बज रहे हैं, शायद 7 बज रहे हैं। पहला पंडाल जो हम जा रहे हैं वो शायद जॉर्ज टाउन में है या फिर कोई और दूसरा है, जहाँ पे मैंने अभी सुना है कि केदारनाथ जी, जैसे केदारनाथ जी का मंदिर है तो वैसे स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं क्या है, कैसी लाइटिंग है, कैसी रहती है। अभी हम लोग आ गए पहले पंडाल पे। जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तो चलिए चलते हैं। अष्टदेव शारद प्रात जगे उठेछे आलोकमंदी धरणीर बहिराकाशे अंतरित मेघमाला प्रकृतिर अंतराकाशे जागरित ज्योतिर्मयी जगन्माला बंगा आज के। और यहाँ पे 30 महल वाला पंडाल है, तो ये देखते हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा जब आप सामने से देखेंगे तो आपका मन ही नहीं भरेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुर्गा माँ की आंखें कुछ इस तरह से बनी हैं कि वो आपको अपनी ओर मोहित करती हैं। रात में लेट हो गया था आते आते, तो उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अशोक नगर में मैं गया था लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो ज़्यादा मैं अंदर जा नहीं पाया। तो वहाँ जो डांस हो रहा था, जो बंगाली डांस था, अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करके, और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा पेज भी है इंस्टाग्राम पर, द लव ऑफ ट्रेवल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको चेकआउट जरूर करिएगा। थैंक यू।